न्यू दुर्गा ज्वेलर सिरसा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। काफ़ी 3 घंटा चर्चा हुई और उसके साथ एक जीरा फैक्ट्री में भी काफ़ी 6 महीने के किसान बैठे वहाँ, जो धरती के नीचे वाला पानी वो गंदला हो गया और वातावरण ख़राब हो गया, ज़मीनें उसका नुकसान, और लोग कैंसर से भी मर रहे हैं, जानवर भी वहाँ पर मरे हैं। और वहाँ के 52 लोग थे जो पंचायतें थी खापे, वो लड़ाई लड़ रहे उसके साथ, जितना भी अपना गैर राजनीतिक मोर्चा उसने संजोग दिया इसके साथ। आज गैर राजनीतिक मोर्चा की चर्चा होकर मीटिंग हुई है कि जो 9 जनवरी को वहाँ बहुत बड़ा संगठन इकट्ठे होंगे और ये सभी साथी जितने भी गैर राजनीतिक मोर्चा के हैं अपने अपने संगठन लेके वहाँ बहुत बड़ी संख्या से और सरकार को चेतावनी भी देंगे और वहाँ इकट्ठे होकर उन किसानों का साथ भी दिया जाएगा और सपोर्ट भी चल रही है। और उसके साथ साथ जो यहाँ भारतमाला का हरियाणा या पंजाब और सभी तरफ से लूट हो रही है ज़मीनों की, जुमला मिसर को खातों की, और उसके साथ जैसे MSP का मसला है और कर्ज मुक्त किसान को करवाना है, ये गैर राजनीतिक मोर्चा ये लड़ाई लड़ रहा है। और ये फरवरी के पहले हफ्ते में हनुमानगढ़ राजस्थान में सभी भारत वासियों की जितनी भी जथेबंदियाँ पहुँचेंगी और वहाँ मीटिंग करके अगले प्रोग्राम के लिए ऐलान किया जाएगा। धन्यवाद। हमारे जो आज फैसले लिए गए हैं इसमें हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के SKM गैर राजनीतिक संगठनों ने भाग लिया। और सबसे पहला फैसला ये लिया गया कि कई महीनों से पंजाब के जीरा में जो शराब फैक्ट्री के खिलाफ जो धरना चल रहा है और वहाँ पे कुछ दिन पहले पंजाब की सरकार ने जोर जबरदस्ती करने का प्रयास भी किया, तो 9 जनवरी को SKM ए राजनीति के बैनर तले हजारों की संख्या में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के किसान वहाँ जाएंगे और जो धरना चल रहा है उसको मजबूती देने का काम करेंगे। इसके अलावा जो एक बहुत बड़ा मुद्दा हरियाणा के लिए भी है और पंजाब के लिए भी, कहीं भारतमाला रोड प्रोजेक्ट के नाम पर, कहीं इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने के नाम पर किसानों की ज़मीनों की लूट की जा रही है। 2013 में हमारे देश में एक कानून बना था जमीन अधिग्रहण का, भूमि अधिग्रहण का, जिसमें किसानों के हक में कुछ नियम बनाए गए थे, जिसमें एक ये भी था कि भाई किसानों को जमीन का कलेक्टरेट का 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा, जो बहुफसलीय ज़मीन है, जिस ज़मीन में एक से ज़्यादा फसल होती है साल में, उसको अधिग्रहण ना हो इसकी प्राथमिकता रहेगी अधिग्रहण करते समय। लेकिन जब से 2014 से BJP की सरकार आई है, ये तमाम नियम कानून ताक पे रखते हुए किसानों की ज़मीन लूटने का हर संभव ये कोशिश कर रहे हैं और कहीं 1.5 गुना दे रहे हैं, कहीं 2 गुना दे रहे हैं। अभी हरियाणा में सोनीपत में, झज्जर में, गुड़गांव में, फरीदाबाद, पलवल में के जो रेलवे कॉरिडोर निकाला जा रहा है वहाँ भी किसानों की ज़मीन की लूट की जा रही है। तो आज इस मुद्दे पे भी हमने गंभीरता से चर्चा की, क्योंकि SKM अराजनीतिक का मानना है कि जब किसानों की ज़मीन बचेगी तभी MSP का उनको फ़ायदा होगा, तभी फसल के मुआवजे का फ़ायदा होगा, तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा आप देखो अभी हरियाणा में गन्ने का रेट है वो बिल्कुल नहीं बढ़ाया जा रहा है, कर्नाटक में भी अभी कुछ दिन पहले वहाँ हमारे साथियों ने आंदोलन लड़ा और आंदोलन जीता है, और इसी पेमेंट संबंधित समस्या पंजाब की भी है जो पंजाब वाले साथी बताएंगे। तो इन तमाम इश्यूज़ को लेके जो हमारा MSP गारंटी कानून का जो अभी पेंडिंग है स्वामीनाथन आयोग के अकॉर्डिंग, और इसके अलावा कर्ज मुक्ति का मुद्दा है, इन तमाम इश्यूज़ को लेके आज राजस्थान के जो किसान संगठन पहुँचे थे उनसे चर्चा करके ये तय किया कि फरवरी के पहले सप्ताह में राजस्थान के हनुमानगढ़ में पूरे देश के सभी संगठनों की बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई जाएगी SKM राजनीति के बैनर तले, और वहां से फिर एक बड़ा आंदोलन लड़ने का ऐलान किया जाएगा। वो 2 दिन का सम्मेलन होगा हमारा राजस्थान के हनुमानगढ़ में, हमारी मीटिंग भी होगी उस सम्मेलन में और हनुमानगढ़ में एक बहुत बड़ी पंचायत भी होगी और वहाँ से हम आगामी आंदोलन का ऐलान करेंगे। जो हमारे पेंडिंग मामले थे, जब दिल्ली का धरना, दिल्ली का आंदोलन खत्म हुआ था तो सरकार ने लिखती रूप में हमारे साथ कुछ वादे किए थे, जैसे MSP पर फसल खरीद की गारंटी का कानून था, तो सरकार उससे पीछे हट गई है। उसके अलावा जो कर्ज मुक्ति का मामला है,
जो किसानों की भूमि अधिग्रहण करके जो लूट का मामला चल रहा है, इन सभी मामलों पर गंभीरता से विचार करके हमने एक फैसला लिया है कि फरवरी के पहले सप्ताह में हम हनुमानगढ़ में एक बड़ी मीटिंग करके आने वाले समय में इन सभी मुद्दों को लेकर एक बड़ा आंदोलन, जिस तरह का पहले हमने दिल्ली के बाहर एक आंदोलन खड़ा किया था, उसी तर्ज पर एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे और इन सभी मांगों को लेकर हमारे किसान भाइयों को, हमारे मजदूर भाइयों को, सबको साथ लेकर उनको जागरूकता अभियान भी चलाएंगे और एक बड़े आंदोलन का आयोजित करेंगे।